अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शर्मा कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का सालन। इसकी रेसिपी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए इसकी रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे जो हमारी न्यू वीडियो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो तक चिकन, या इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून फूड कलर। यहाँ मैंने मसाले में लिया है अदरक, लौंग, स्टार फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, गोल मिर्च, जीरा, जावित्री, लहसुन और 2 मीडियम कटी हुई प्याज, 1 टेबल स्पून चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और तेज़पत्ता। यहाँ मैंने 3 मीडियम कटी हुई प्याज ली है, इसे मैंने कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम मसाले को पीसेंगे। यहाँ मैंने ग्राइंडर जार रखा है, ग्राइंडर जार में डाल दूँगी सारे मसाले को और पानी डाल के इसका पतला सा पेस्ट बना लूँगी। मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में डाला है तेल, तेल को आप थोड़ा ज़्यादा डालें। हमारा ऑयल प्री हीट हो चुका है, अब मैं डाल दूँगी प्याज को। इसको डाल दें और इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दें। हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, अब तब तक करें कि थोड़ा सा इसमें सिर्फ कलर आ जाए। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 तेज़पत्ते, मिला लें। यहाँ हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन को। चिकन डाल दें और तेल और प्याज में इससे अच्छे से भून लें कि ताकि इसका जो स्मेल है वो ना आए और ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, चिकन थोड़ा सा ऊपर ऊपर रेड रेडनेस आ जाए। तब तक इसे फ्राई करें, थोड़ा सा ब्राउन आ जाए, कलर आ जाए, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ना आए और थोड़ा सा इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप देख सकते हैं मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है, चिकन में कलर आया है, ब्राउन हो गया है। मैंने इसे अच्छी तरीके से भून लिया है ऑयल में। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले को जो मैंने पीसा था। आप यही ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डाल के वही चिकन में डाल दें, पानी इसमें भी नहीं डालें, अभी पानी का यूज़ ना करें, अच्छे से इसे मिला लें। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने मसाले लिया था। आप अच्छे से फिर इसे एक बार अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इसे मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम में पकने को, कि जो गोश्त है हमारा थोड़ा सा गल जाए अच्छी तरीके से। यहाँ 10 मिनट हो चुका है, देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं ऑयल इंक्रीज हुआ है ऊपर ऊपर। अब अच्छे तरीके से इसे भून लें। हरी मिर्च डाल के मैंने यहाँ 3-4 हरी मिर्च ली है और जीरा लगा के इसमें डाल दिया है और अच्छे से भून लिया है। आपको जिस हिसाब से तीखा पसंद है आप उस हिसाब से तीखा करें और चिकन को अच्छी तरीके से भून लें। अगर ऑयल आपको कम पसंद है तो आप ऑयल निकाल भी सकते हैं। अगर आपको भुना भुना सूखा सूखा खाना है तो आप इसमें ग्रेवी ना लगाएं। हमने यहाँ सालन बनाना है तो इसमें मैं डाल दूँगी 1½ कप पानी। आपको जिस हिसाब से सालन पसंद है, पतला और नॉर्मल, उस हिसाब से पानी डालें। मैंने 1½ कप इसमें पानी डाला है और इससे मैं अच्छे से मिला लूँगी और 10 मिनट के लिए इसे गैस पे उबलने दूँगी जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। यहाँ हमारा चिकन में बॉईल आ चुका है, आप देखते हैं। यहाँ हमारा चिकन बन करके रेडी है, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे दिख रहा है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत कम टाइम में। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।